नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेहूं खरीद को लेकर आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के तेवर बेहद सख्त नजर आए। डीएम ने कांट में सहकारी समिति के खरीद सेंटर पर अचानक छापा मारा। खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने सेंटर इंचार्ज को जेल भिजवाने के आदेश दिए। डीएम की अचानक हुई छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने आज सहकारी समिति गेहूं खरीद केंद्र कांट में अचानक छापेमारी की। यहां गेहूं खरीद में भारी गड़बड़ी मिलने पर डीएम का पारा हाई हो गया। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार सेंटर इंचार्ज को मौके पर ही जेल भेजने के आदेश दिए। गेहूं खरीद का रिकॉर्ड पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई। यहाँ 16 तारीख के बाद अब तक कागजों में कोई भी खरीद का रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला, जबकि मौके पर भारी तादाद में गेहूँ मौजूद मिला। फिलहाल जिला प्रशासन ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर सेंटर प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मजदूरों और गरीबों को मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता जानने के लिए जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्चना कांट पहुंचे। यहां उन्होंने कम्युनिटी किचन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए दोनों अधिकारियों ने खाना खाकर गुणवत्ता जांची। साथ ही मीडिया की टीम को भी भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए खाना दिया गया। मीडिया की ओर से जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार जी ने भी भोजन की गुणवत्ता जांची। इस दौरान सभी ने कम्युनिटी किचन सेंटर में बने भोजन की प्रशंसा की। बैंकों के बाहर लाइन देकर जिला अधिकारी ने भारी नाराजगी जाहिर की। जांच में पता चला कि लोग महज बैंक में इसलिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वह अपने खाते में आए पैसे की जानकारी हासिल कर सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने कांट के बैंक मैनेजर को फटकार लगाई। डीएम का कहना है कि लोग बेवजह बैंकों में न जाएं, क्योंकि ऐसा करने से सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब होती है। महाराष्ट्र में साधु के साथ हुई मॉब लिंचिंग के बाद देशभर में लोगों का गुस्सा लगातार जारी है। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रवाद लगाने सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वह महाराष्ट्र के लिए कूच कर सकते हैं। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। आज निगोही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा निगोही के समस्त पत्रकारों को माल्यार्पण और पुष्प वर्षा करके अंग वस्त्र और नारियल भेंट किए। आरएसएस की निगोही यूनिट ने पत्रकारों को भरोसा दिलाया कि हम लोगों ने लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद की है और आगे भी मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्चनप्पा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनपद के इमाम मुतवल्ली और काजी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में अधिकारियों ने रमजान के मद्देनजर COVID-19 के संक्रमण के संबंध में जानकारियां, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ साथ घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर यशवंत कुमार मैथिल ने आज तिलहर कोतवाली पहुंचकर कोतवाल सुनील कुमार अहलावत और उनके स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए प्रदान किए। इस दौरान डॉक्टर मैथिल ने पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की कामना करते हुए उनके द्वारा इतनी विषम परिस्थितियों में किए गए कार्यों की सराहना की। लॉकडाउन के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस बनाए रखने के लिए शाहजहांपुर योग एसोसिएशन घर बैठे योगासन शिविर प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। शाहजहांपुर योग एसोसिएशन के सचिव मृदुल कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, प्रतियोगिता 3 चरणों में खेली जाएगी, जिसमें 8 से 17 है और 17 से 25 और 25 से 60 आयु वर्ग के खिलाड़ी घर बैठे प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रतियोगिता बहुत ही सरल है। खिलाड़ी अपनी योगासन करते हुए फोटो वीडियो, जिसमें खिलाड़ी 20 सेकंड तक योगासन पोज में रहना होगा। इस प्रतियोगिता की अधिक जानकारी के लिए 9257784005 पर कॉल कर सकते हैं। प्रशंसा फाउंडेशन द्वारा पीपल का वृक्ष रोपित कर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए साफ सफाई करके विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी ने बताया कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है, ऐसे में अपनी अन्नदाता जीवनदाता पृथ्वी को हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त रखने की हम सब की जिम्मेदारी है।
संस्था अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अधिक से अधिक लोगों को वृक्ष लगाने और साफ सफाई के लिए प्रेरित करेगी। इसी अवसर पर नरेंद्र त्यागी द्वारा पीपल का पौधा रोपित किया गया।